नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भक्ति वचन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा, जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों, बांके बिहारी जी का नाम आते ही दिल में और मन में ऐसा सुकून मिलता है, मन करता है बस उन्हीं के नाम का जाप करते रहें। बांके बिहारी जी का मंदिर मथुरा में, जो यूपी का एक ज़िला है, वहाँ पर एक वृंदावन बहुत ही रमणीय स्थल है, वहाँ पर बना हुआ है। आप में से बहुत से लोग बांके बिहारी मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए होंगे और हमेशा जाते रहते होंगे, और जो लोग नहीं जा पाए हैं, मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी अपने दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करें। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पावन धरती पर बना हुआ है, जहाँ पर कदम रखते ही सभी मनुष्यों को जो मन की और दिल की शांति मिलती है और उनके पाप का नाश हो जाता है। बांके बिहारी जी का मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण सन 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। और आपको ये बताऊं कि इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 537 फीट ऊंची है। स्वामी हरिदास जी का जन्म सन 1536 में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था, जिसे हम आज राधा अष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी सखी ललिता जी के अवतार थे। इन्होंने जानबूझकर राधा अष्टमी को जन्म लिया। वो राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन करना चाहते थे। आपको बताऊं, हरिदास जी के कीर्तन भजन से इतने प्रसन्न हो गए थे हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी कि निधिवन में ही बांके बिहारी जी का जो प्राकट्य स्थल है वो वहाँ प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी के नाम भर लेने से आदमी के सारे संकट दूर होते हैं, और उनकी छवि के दर्शन कर लेने से आदमी के मानो सारे पापों का नाश हो जाता है और वो अपने सारे कष्ट, अपने सारे पीड़ा सब भूल जाता है और वो एक मन मग्न हो जाता है बांके बिहारी जी के दर्शन में। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। बांके बिहारी जी के जो मंदिर में जो आपकी कुछ रोचक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंदिर से संबंधित। आपको ये जानकर हैरानी होगी या आपको पता है नहीं पता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में केवल साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं, और साल में श्रावण के जो तीज तारीख होती है, श्रावण की तीजों के दिन वो झूले पर विराजमान होते हैं ठाकुर जी, और मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही की जाती है, और उनके चरण दर्शन जो आपको कभी कभी मिलते हैं वो खास दिन होता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया वाले दिन ही केवल चरण दर्शन होते हैं, और वो बहुत ही परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको चरण दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके तो सारे पाप ही खत्म हो जाते हैं और उनके ऊपर आने वाली मुसीबतें, उन सबों का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, बांके बिहारी जी मंदिर की जो बहुत सी कथाएँ हैं जो उनके भक्तों ने बताई हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी सच्ची कहानियां हैं जो बांके बिहारी जी से संबंधित हैं। वो अपने भक्तों पे बहुत ही जल्दी उदार हो जाते हैं। आपको मैं आगे बताना चाहूँगा, कुछ भक्तों ने बहुत उनको पास से अनुभव किया है। कुछ एक कहानी मैं आपको अगर बताना चाहूँ, एक बार एक स्त्री अपने पति के साथ उनसे लड़ झगड़ कर जानबूझकर बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आई। वो कुछ दिन वहाँ पे रहे, वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए। फिर एक दिन पति ने वापस घर चलने की इच्छा करी तो पत्नी रोने लगी। वो बांके बिहारी मंदिर में गई, भगवान से बोली रोते हुए कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आप, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। यह कह के वो चली गई। जब वो स्टेशन की तरफ जा रही थी तो एक छोटा सा बालक उनके पीछे पड़ गया। फटे हुए से कपड़े पहना था, पैरों में नंगे पैर थे। वो उनके पीछे पड़ गया कि मुझे अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो, और वो उनको स्टेशन तक पीछा करता हुआ चला गया। इधर जब मंदिर में पुजारी ने दरवाज़ा खोला, देखा वहाँ ठाकुर जी नहीं विराजमान थे। उसे उस औरत के जो दृश्य याद आया कि वो रो रही थी,
वो तुरंत घोड़ा गाड़ी के पीछे गया। स्टीफन पहुंचा तो वहां पे एक बालक उनके पीछे जाने की जिद कर रहा था, और जब वो पुजारी उनसे बात करने लगा तभी बीच में से वो बालक गायब हो गया। वो स्त्री समझ गई कि वो कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी थे, बांके बिहारी जी थे। जब वो सब लोग वापस आए और देखा उन्होंने कि वो फिर से विराजमान है, तब उसके पति और उस स्त्री ने बांके बिहारी के दर्शनों को हमेशा देखने के लिए अपने आप को वहीं पर समर्पित कर दिया। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं बांके बिहारी जी की। आपको एक बताऊँ, स्वामी हरिदास जी जब थोड़े बूढ़े हो गए थे, वो निधिवन में रहते थे, तो वहीं बांके बिहारी जी की सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पे कोई सोया हुआ है। उन्होंने आवाज़ दी कि बिस्तर पे कौन सो रहा है, तो अचानक से कोई वहाँ से गायब हो गया, लेकिन कुछ सामान उसका छूट गया था। और दूसरी तरफ इधर से पुजारी भागता हुआ आया, स्वामी जी से बोला, स्वामी जी स्वामी जी, वो बांके बिहारी जी का जो चूड़ा है और वंशी है वो वहाँ नहीं है, तो लगता है चोरी हो गई है। फिर अचानक वो उनकी नज़र उनके बिस्तर पर पड़ी तो देखा वही चूड़ा और वंशी वहीं रखी थी। तब स्वामी हरिदास जी ने बताया कि यहाँ पे कल कोई सोया हुआ था। पुजारी समझ गया, तब से ये बताया जाता है कि वहाँ पे बांके बिहारी जी हैं, वो कृष्ण कन्हैया वहाँ पे रास लीला के लिए आते हैं। उसके बाद से फिर वहाँ मंगला आरती बंद कर दी गई। ये मान्यता है कि श्री कृष्ण जी वहाँ पे रास लीला करके जब शाम सुबह के टाइम आते हैं तो वो शयन मुद्रा में रहते हैं, तो उनको जगा कर उनकी मंगल आरती करना अपराध माना जाता है, इसलिए वहाँ मंगल आरती नहीं होती है। आपने देखा होगा जो लोग दर्शन कर चुके हैं बांके बिहारी जी के, कि वो पर्दा कंटिन्यूस लगातार नहीं खुलता है। वो कभी जब दर्शन होता है तुरंत सेकंडों में या हल्के आधे आधे मिनट पे वो पर्दा बंद कर देते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो मान्य हैं, हमारे जो विधाता हैं बांके बिहारी जी, वो बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, वो भक्तों के ऊपर बहुत जल्दी उदार हो जाते हैं। कई कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें बताया गया कि एक भक्त जो है टकटकी लगाकर उनको देखता रहा, उनसे अपनी प्रार्थना करता रहा, और भगवान जी उस पर रीझ गए। बाद में पता चला कि भगवान जी उस भक्त के साथ चले गए उसकी समस्या को दूर करने के लिए। ऐसी कई कहानियां हैं। तो ये एक मान्यता है कि भक्तों को प्रभु से लगातार नज़रें नहीं मिलाने दी जाती है, ताकि कहीं भक्तों के साथ प्रभु चल ना दें, इसलिए वो बार बार झांकी की तरह पर्दा उनको थोड़ा थोड़ा दर्शन कराया जाता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी रोचक जानकारियाँ थी बांके बिहारी जी की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपने यहीं बैठे बैठे अपने मन में एक ध्यान में बांके बिहारी जी के दर्शन भी कर लिए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपको भविष्य में भी ऐसे ही दर्शन करने को मिलता रहे, और आपको हमेशा बांके बिहारी जी की आप पर कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय भो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।